गुना से शैलेंद्र पाठक की रिपोर्ट। आज जिला हॉस्पिटल का स्वास्थ्य विभाग के संचालक के ठस्से भोपाल द्वारा किया गया, मरीजों की समस्याओं से रूबरू हुए। साफ सुथरा दिखना चाहिए, वो चीज़ नहीं दिखी। तो मैंने कोई स्टेशन दिए कि वो जो टाइल्स वन है चेंज होती थी, काफ़ी पुरानी होती है। अंदर में जहाँ ग्रेस टाइल्स लगते हैं वहाँ लुक चेंज हो जाता है। एसेंस भी देखी होगी आपने, हमारे अर्ली इंटरनेशनल सेंटर देखा होगा, तो वहाँ काफ़ी अब मुश्किल लगता है आपको कि यार कोई अच्छे हॉस्पिटल में आ गए। अभी पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पुराने कंस्ट्रक्शन है, तो चलिए इसमें उस तरीके की स्थिति एकदम से पैदा नहीं हो सकती। सफाई कई बार करते हैं उसके बावजूद भी, अब यहाँ देखे रहो एक मरीज के साथ 10-10 लोग हैं, 5-5 लोग हैं, फिर झगड़े अलग करते हैं सीओ साहब से, देखो स्वयंभू नेता टाइप का कोई पैदा हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम सबकी जगह है उसको। सर, इसके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था भी तो होना चाहिए। सिक्योरिटी की व्यवस्था तो की है लेकिन अमल क्यों नहीं? कम है, मतलब जितनी संख्या में होने चाहिए उतने। एक डॉक्टर 10-10 मरीजों को देखता है तो 5वां 7वां मरीज चिल्ला चोट मचा देता है, जिसके कारण उसको कितना डिस्टर्ब होता है। ये समस्या तो पूरे इंडिया की है, एमपी की और ज़्यादा है, और ग्वालियर साइड में और भी ज़्यादा। हम भी ग्वालियर में हैं, तो यहाँ का आदमी वैसे गर्म खून का आदमी, डॉक्टर भी और मरीज भी, उसमें नेतागिरी भी और नेतागिरी अलग, तो फिर इसलिए कई बार विवाद की स्थिति होती है। और उसके बावजूद भी काम करते हैं, हमारे डॉक्टर जो है ओवरलोडेड बहुत ज़्यादा। नहीं, उस विवाद में सर वो मरीज का तो ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता ना, उसमें कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था हो तो वो परिवार व्यक्ति को संभाल जो है ना, गलत इलाज नहीं करता। नहीं, गलत इलाज का नहीं गलत, जैसे एटमोसफियर बिगाड़े या कोई चिल्ला चोट ज़्यादा करे कुछ करे तो उसके कारण मरीज तो थोड़ा सा लेट होता, मरीज तो लेट होता ना सर इलाज के लिए। अब हर कोई लड़ने बैठ जाएगा तो फिर लेट होगा।